आगे बढ़ते हैं, राजधानी भोपाल से खबर है जहां चयनित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते हैं। शासन ने कहा है कि 24 घंटे में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद सरकार नियुक्ति का फैसला लेगी। तो 3 महीने में 13 बड़े आंदोलन शिक्षक कर चुके हैं और जिसको देखते हुए अब सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। तो चयनित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है, जल्द ही नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते हैं। बता दें, पिछले 3 महीने में लगातार शिक्षकों द्वारा 13 बड़े आंदोलन किए गए हैं। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शिक्षकों ने किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर तरह का आंदोलन शिक्षकों की ओर से देखने को मिला है, जिसके चलते अब सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद सरकार नियुक्ति का फैसला लेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, 3 महीने के संघर्ष के बाद अब सुनवाई की उम्मीद जागी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने देखा है 13 महीने में करीब 13 बड़े ऐसे आंदोलन हुए हैं जो चयनित शिक्षकों ने किए हैं। उसमें चाहे सरकार को घेरने की बात हो या अपनी बात मनवाने की बात हो, विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर एक अलग तरह से मुद्दा बनाया। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस तरह के सरकार ने जो सूत्रों के बारे से खबर है, सरकार ने जो कहा है कि 48 घंटे के भीतर ऐसी तमाम तरह की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाए, ताकि जो चयनित शिक्षक है उनको अपनी जगह मिल सके, उनको चयन के आधार पर। यह भी देखा जा रहा है कि कहां कितने पद खाली है, क्योंकि अभी स्थानांतरण हुआ है हाल ही में। स्थानांतरण होने के बाद कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पद है नहीं, कई जगह बहुत ज्यादा नियुक्तियां हो गई है। तो तमाम तरह के मुद्दों पर इसमें शिक्षा विभाग काम कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले सोमवार या मंगलवार को ये आदेश भी जारी हो, क्योंकि सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। तो बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है चयनित शिक्षकों के लिए। जी बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सैकड़ों चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने कहा है कि 24 घंटे में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और जल्द ही फैसला लिया जाएगा।